I'd love to go with you, but you know my parents now. वो कभी भी मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाने देंगे। और मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें उनके साथ ना जाने दूँ। I'm really scared, यार। अगर तुम्हारे दादा ने प्रेशर किया तुम्हारे फादर को तो वो नहीं मना कर सकेंगे। जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चाचू का ईमेल आया था, वो कह रहे 10 तारीख को कराची आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक शर्त पे जाने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? आप मेरी और रॉनी की एंगेजमेंट करा दें पाकिस्तान जाने से पहले, फिर मैं सुकून से जा सकती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना हमारा घर, इतनी अच्छी बत्तियां लगवाई हैं आपने भाई। अरे मुझे ये डर है कि कहीं लाइट ना चली जाए, मुझे लगता है कि हमें जनरेटर का भी बंदोबस्त करना ही पड़ जाएगा, है ना? अरे और अब्बा जी, मैं तो कहती हूँ कि जैसे वो आ रहे हैं ना, तो ऐसे शादी के बाद पहली दफा तो हम क्यों ना ऐसे उनका इस्तकबाल करें जैसे कि उनकी शादी हो रही हो, मतलब ढोल वालों के साथ। ठीक है यही भाई। बाबा आप भी इसकी बातों में आ गए, किफायत में सब अच्छा नहीं लगेगा। हाय हाय, तुझे रहन दो, तुझे तो कभी मेरी कोई गाल माननी नहीं। अब्बा जी ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक कह रही, अभी किफायत को बुरा लगता है तो लगे, हम तो अपने अरमान पूरे करेंगे। उसने अमेरिका में शादी की भाई, हमसे पूछा, अब तो हम बैंड बाजे के साथ घोड़ा बग्गी भी मंगवाएंगे। घोड़ा तो बग्गी, चिट्टा घोड़ा होवे तो बग्गी। हाय अब्बा जी मैं सदके जाऊं, आपका कितना अच्छा ये आइडिया है। बस ठीक है, तो फिर मैं बनाती हूँ प्रोग्राम, ये रजिया का प्रोग्राम होगा कि आपने ना गाड़ी को रोकना है गली के नुक्कड़ पे, सुन रहे हैं वे, गड्डी जड़ी है और गली के नुक्कड़ पे रोक के तो उनको दोनों को उतार के आपने बैठा देना है बग्गी में, और वहां पे, और तू भी डांस करना है, चंगा चंगा डांस ना किता, मैं तेरी लत्तां तोड़ देनियां ने। डांस करते करते आपने उनको लेके आना है और वहां पे हम खड़े होंगे हाथ लेके इस्तकबाल के लिए, और साथ में होंगे ढोल वाले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ले भाई सलमान, बड़े अब्बा जाके बैंड वालों को कह दो जी हो। बैंड वाले नहीं, ढोल वाले, मुझे पंजाबी ढोल चाहिए जिसपे हम भंगड़ा डालेंगे, और बग्गी वो घोड़ा ना अकेला ले आना, बग्गी वाला घोड़ा चाहिए जिसके पीछे बग्गी लगी होती है, समझ आई है? सेट, ठीक है ना भाई, एकदम। ओ खुशामदीद क्या लिखवाया तूने? बड़े अब्बा खुशामदीद लिखवा, वो हटा के शादी मुबारक लिखवा दे। शादी मुबारक लिखवाना है, शादी मुबारक। बड़े अब्बा सुबह ऐसा धांसू पीस सेट करूंगा ना, देख लेट हो ये। मानता ही
सारा भाभी की पिक्चर है। हमारी होने वाली भाभी, इतने गौर से देखोगे इनको तो आपको प्यार हो जाएगा इनसे। प्यार तो इससे हो गया। शादी की अंगूठी तो तुझे मैं ही पहनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। रॉनी बोल रहा हूँ। यस बेटा। अंकल इफ यू डोंट माइंड, आप लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो मैं चाह रहा था सारा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। यस रॉनी, आई अंडरस्टैंड, इट विल बी वेरी नाइस, बट बेटा देखो सारा को जाने की तैयारियां करनी है और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। अच्छा भाई जाओ, गो गो एंजॉय योरसेल्फ। हाँ हाँ, मगर जल्दी आ जाना बेटा, ठीक है? यस यस, गो कॉल सारा, गो हेड मेक योर प्लान्स। जी जी बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो मच। कैफी, यू अमेज मी समटाइम्स। मुझे नहीं लगता था कि तुम सारा को इजाजत दोगे इस तरह। अरे देखो फिरोजा, सारा और अच्छे और बुरे में फर्क कर सकती है, एंड शी विल नॉट डू एनीथिंग दैट विल लेट अस डाउन, डोंट वरी। लाइक आई सेड, यू अमेज मी। अच्छा वो दानियाल और रूफी किधर है? वो अपने कमरे में। इस घर को देख के कोई कह सकता है कि यहाँ मुंडी हुई थी? फिर से उदास मत हो जाना प्लीज। इतना सब कुछ जल्दी में हुआ, हमें सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिला। और जहाँ तक रही बात खुशियों को जीने की, तो वो फिजा की शादी पे कर लेना। चले वो ज्यादा बारिश होगी। कम कम चली दो। लो यार, आई एम सो हैप्पी हमारी एंगेजमेंट होगी फाइनली। अब तो तुम्हारे ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कर सकते। और इतना मजा आएगा जब उस स्टूपर से सलमान को मैं बताऊंगी कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अच्छा। तो सारे ख्वाब ही टूट जाएंगे। वैसे बेचारे का यही ख्वाब था कि मैं अमेरिका आ जाऊं सारा से शादी करके। पहुंच जाए प्लीज यार, लेकिन मैं बहुत सैड हूं। क्या हुआ? तुम जा रही हो, इट्स रियली अनफेयर यार, क्या करूंगा मैं बंदा। नहीं इट्स जस्ट 15 डेज। I can't live 15 minutes without you. I'll be back before you know it. तुम ऐसा करो ना कि तुम मत जाओ यार। मैं ऐसा नहीं कर सकती। डैडी ने माय एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं रिलैक्स होकर जाऊँ। अब आई प्रॉमिस्ड हिम, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। Can't I come with you? पाकिस्तान तुम वहाँ क्या करोगे? देखो तुम मेरे ग्रैंडपा के पास रह नहीं सकते, और इट्स कराची नॉट पेरिस कि तुम वहाँ खुश हो। चीयर अप ना। चलो इट्स आवर लास्ट डे टुगेदर, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। व्हाट डू यू हैव प्लान्ड? शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट पे। शेक्सपियर का प्ले?
रॉनी, एंगेजमेंट हम सेलिब्रेट करेंगे एक थिएटर प्ले देख के। अरे इट्स अ स्टोरी अबाउट लव यार, इट'ल गेट अस इन द मूड, कम ऑन। बहुत मजा आएगा। जा जीती रह। अब भाई मैंने एक बात करनी है आपसे। बोल बोल बोल। बड़ा अच्छा किया ना आपने, वो बग्गी भी कर ली सारी, बुक करा ली, तो ढोल वाला भी आ रहा है, तो इतना कुछ आपने तैयारी कर ली थोड़ी, तो मैं थोड़ी तैयारी कर लूं। हाँ क्या? मैं ये सोच रही थी कि वो कैफ़ेत भाई और फिरोजा का कमरा सजा लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात की तूने, सजवा दे कमरा। इनायत को कहे कमरा सजवाए। उनकी तो आपने भली पूछी, उन्होंने कभी मेरी मन्नी है जो है मनेंगे। हालांकि आपको पता है अब्बा जी, आप गवाह हैं कि मैं उनकी कितनी मानती हूँ, हर बात मानती हूँ। अगर वो रात में कहते हैं ना कि दिन है, तो मैं कहती हूँ हाँ दिन है, और अगर वो दिन में कहते हैं कि रात है, तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है रात ही होगी। लेकिन मैं अगर कहूँ दिन में कि ये दिन है, तो कभी नहीं मानते। ये तो बहुत बुरी बात है। बुरी बात है? मैं तो कहती हूँ जुल्म है, जुल्म है। मियाँ बीवी मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, दोनों इकट्ठे चले एक दूसरे को देख देख के, वरना तो एक्सीडेंट हो जाता है। पर नहीं, उनको तो वन व्हीलिंग का शौक है ना, कल ही मोटरसाइकिल चलाई फिरते हैं एक पहिए पे। है क्या वो? होना किधर है, अपने कमरे में है, रसीदें तो, रजिस्टर तो, कैलकुलेटर तो। आवाज मारे ना आ जाएंगे। मैं बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ कमरा सजा। इनायत अच्छा तो फिर हूँ वो आ रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, वरना उनको लगेगा कि मैंने आपको शिकायत लगाई है। अच्छा अब्बा जी आपने ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे ये आइडिया जो है ना, ये कमरा से जाने वाला ये आपका आइडिया। और गर्ल्स नो, ओवर एक्टिंग ना करना। अरे ये क्या बदतमीजी है? किधर जा रहा है? आ गई तू सुबह सुबह मेरा दिन खराब करने। मैं क्यों करने लगी तेरा दिन खराब? और सुनो जी, तू सीना मेरे से ऐसे ना बोला करो, मेरा दिल टूट जाता है। ये तू बात किस तरह कर रही है? इस तरह काजल नहीं की थी, कभी खुशी कभी गम में जैसे। अच्छा चल हट जाने से, मुझे जाना है। अगर ना हटू तो रख के दूंगा तेरे कान के नीचे एक। सीना अगर मेरे एक गाल पे रखोगे ना, तो मैं अपना दूसरा गाल आगे कर दूंगी। अच्छा चल हट जाना, मुझे देर हो रही है। किधर जा रहे हो जी? जहन्नम में। मैं भी चलूं? चल छोड़ के आता हूँ तुझे वहाँ पे। सीना मुझे जहाँ पर भी लेकर जाओगे मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। अगर अम्मा को पता चल गया ना कि तू यहाँ खड़ी होकर पंजाबी की टांग तोड़ रही है, तो वो तेरी टांग तोड़ देगी। अच्छा अब अपनी आंखें बंद कर। क्या? करो ना जी। क्यों? तुझे कुछ देना है, आंखें बंद करो ना जी। गले ये क्या? वो ना जी लेने तो गई थी वो शाहरुख खान वाली शर्ट, वो जो उसने नहीं पहनी है कभी खुशी कभी गम में, सूरज हुआ मथम, तो वो तो मिली नहीं, तो मैं ले आई ये बनियान पहन के ना तो सलमान खान लगेगा। बनियान? ये क्या है? हाय तुझे पता है वो कभी खुशी कभी गम के अंदर काजल ने हवा निकाली थी टायर की, वो चाहती नहीं थी ना कि शाहरुख उसे छोड़ के जाए, तो मैंने भी निकाल दी। मगर तूने ऐसा किया क्यों? हाय हाय मुझे तो लगता था तेरा भाई सिर्फ मुझ पर ही जुल्म करता है, ये तो है ही जालिम। क्यों, क्या जुल्म किया सलमान ने? अब देख तेरी शादी 2-4 दिनों में होने वाली है, और वो तुझसे कपड़े इस्त्री करवा रहा है, घर की सफाइयां करवा रहा है। अब तू मुझे एक बात बता, सलमान के काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे तुझे पता है ना कि वो अपने कमरे में बगैर इजाजत किसी को आने नहीं देता मेरे अलावा। वो एक दफा कहकर तो देखे, सफाई क्या, मैं तो उसके कमरे का नक्शा ही बदल दूंगी। अच्छा क्या करेगी तू? देख सबसे पहले ना तो मैं इस कमरे की दीवारों के रंग बदलूंगी। देख एक का रंग लाल, एक का हरा, एक का पीला और एक का गुलाबी। और तुझे पता है मैंने ना इतवार बाजार में सफेद रंग के पर्दे देखे,
पर दिल बने हुए और लिखा हुआ है आई लव यू। तो जब जब सलमान वो पर्दे देखेगा ना तो उन्हें देखकर बोलेगा आई लव यू। फिर तो सलमान को सिर्फ पर्दों से प्यार हो जाएगा, तुझसे नहीं। इसका भी हल है मेरे पास। वो जैसे ही पर्दे को देख के बोलेगा ना आई लव यू, मैं पर्दे के पीछे से बाहर निकलूंगी और उसे बोलूंगी आई लव यू टू। ये ले, ये कहता है आई लव यू टू की बच्ची। और बता ना और क्या क्या चेंजेस करेगी। बड़ी सी दीवार पर ना मेरी और सलमान की शादी की तस्वीर होगी जिसमें ना हम दोनों मुस्कुरा रहे होंगे। और बताना, चुप क्यों हो गई? अपनी होने वाली भाभी को चाय नहीं पिलाएगी? हाँ ना, पिलाऊंगी होने वाली भाभी जी। ये काम कर, ये सारे कपड़ों को तय करके वहां रख दे, मैं भी तेरे लिए चाय लेके आती हूँ, जल्दी कर। अबे क्या बड़े अब्बा? बड़े अब्बा घर से होटल आने के लिए निकलने, कभी भी आ जाएंगे। चलो 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 चलो, चलो। अबे ठीक है तुमका, बड़े अब्बा आने वाले, जल्दी कर। और सुन, तूने अभी तक सीकर नहीं धोके डाली, बड़े अब्बा देखेंगे तो जान निकाल देंगे। राशिद, राशिद जल्दी इधर आ। आई ठहर भाई, ठहर 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 ठहर। सलाम अलैकुम बड़े अब्बा। सलाम अब्बा। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? आप इधर बड़े अब्बा सब सेट है ना? अबे ये कीमा कौन बना रही है आजकल? बड़े अब्बा वो काशिफ ने बनाया था। अबे नमक की उसके बाप की दुकान है क्या? बड़े अब्बा सब सेट है ना? अबे सेट कहाँ है, पूरे शहर में बदनाम हो जाएंगे। अच्छी वाली दुकान है हमारी, सारी दुनिया जानती है हमको। अबे तू इतना सारा तरक्की करके इतने 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 पहुंचे, अल्लाह के फजल से इतना नमक डाल दिया। बस रहे बस, सॉरी गलती हो गई। कीमा डलवा, नमक कहीं ना और डाल दे। सुनो आप, तीन किलो कीमा डाल इसमें फौरन। नमक बिल्कुल ना डलवा। जी बड़े अब्बा मैं देखता हूँ। हाँ भाई, तेरी क्या पोजीशन जा रही? बिल्कुल सही है। अबे वो तेरा दर्द मरद खत्म हुआ कि नहीं? बड़े अब्बा वो ही तो ना, सुबह से सर में हेडेक हो रहा था, अभी तो बंद हो गया, अभी मैं सेट कर देता हूँ सब कुछ। भाई हेडेक के लिए को गोली मोली खा दू? तू भी ख्याल नहीं रखता, थापड़ मार के कस दो गरम। अब्बा भी देख दो, तूने मरवा दिया, कीमा डाल इसमें जल्दी कर। किस जगह था नमक डालने के लिए? क्यों भाई कच्ची बोटी खिला रही है लोगों को? मुझे शिकायत मिल रही है तेरी। अभी जब कोयले दहक नहीं रहे तो क्या फिर लगाते हैं? बड़े अब्बा कोयला दहक ही नहीं रहे तो किस तरह करूं मैं? भाई बिजली नहीं आ रही, दहकेगी कैसे? जी बड़े अब्बा। तो इतना मोटा ये किस लिए तू है? जी बड़े अब्बा। अभी इस तरह इस्तेमाल कर, देख। जी बड़े अब्बा। ठीक है जी बड़े अब्बा। अभी मेरे हाथों में भी कुछ ज्यादा जा। जी बड़े अब्बा, लाए मैं कर। जी कर दे। जी बड़े अब्बा। अच्छा पक्का पक्का काम कर। जी बड़े अब्बा। बता दिया होते। जी बड़े अब्बा। अब मार के कस दूंगा मैं। जी बड़े अब्बा। जी बड़े अब्बा। हाय नहीं बेबे खाला, ये कैसी बात कर रही हैं आप? बेबे खाला तो उसने मेरी मां बजाओ ना। आहो की सबसे पहले तो आपने आना है। हाँ बिल्कुल, उसकी आप फिक्र ना करें, कार्ड में सारे आपको भिजवा दूंगी किसी ना किसी तरह से। लिस्ट भी मिल जाएगी आपको, एक एक रिश्तेदार के घर ना आपने खुद ही बनाना है, खुद ही पहुंचाना है। हाँ अब बात सुने, ये जो दिल्ली वालों के लिए जोड़े लाने ना, जरा भारी जोड़े लाना। हाँ इनको पता लगे कि सियाल कोटी कितने बड़े दिल के होते हैं। आए हाय पेड़ा गरक, मेरी हांडी का सत्यानाश करता है। आपका मोबाइल आपकी आंटी को ना प्यार हो गया, अब आपको ना ब्लूटूथ की जरूरत है। किसकी? ब्लूटूथ की। वो क्या होता है? अम्मा मशीन होती है कानों में लगाने वाली। तेरा क्या मतलब है? मैं बैरी हो गई है, मैंने सुना नहीं दिंदा, मैं बुढ़ी हो गई है, मैंने करना टूटिया ला के गलना सुननी है। अम्मा वो वाली मशीन नहीं होती, इससे आपको फोन पकड़ने की जरूरत भी नहीं है।
साथ साथ आप खाना भी पका दी जाओ, साथ साथ फोन भी सुन लो। अच्छा हाँ। हाय मेरा पुत्र तो कितना ज़हीन है, तन सारी मशीनों का पता है। ठीक है फिर मुझे ला कर दे। अम्मा पहले खाना तो दे दो, ले आऊंगा मशीन भी। खिला देती हूँ मैं, आप चले तो बैठ जाओ। अम्मा मैंने ऊपर वाले कमरे के लिए एसी भी लेने जाना है। अच्छा 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 ले आई ले आई। वो किधर है तेरा वो क्या कहते हैं उसको लैपटॉप? क्या अम्मा? हाँ कंप्यूटर तेरा। अच्छा लैपटॉप। हाँ जी। तूने फैद भाई को कोई ईमेल की है जो सेकंडों में मिनटों में पहुंच गई है अमेरिका? जी। और ए सियालकोट तो उससे भी छेती पहुंच जाएगी। बस मेरा पुत्र तू ना लिस्ट बेबे खाना को करनी है तूने ईमेल। उनका एड्रेस है मकान नंबर 23 ड्रामा वाला चौक ते गली नंबर 24। एक मिनट में पहुंचनी है। अम्मा मैं ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल दरवाजे पे नहीं जाती, इसके लिए खाला के पास लैपटॉप होना भी जरूरी है। हाँ हाँ पता है मुझे, बेवकूफ ना मुझे समझ नहीं करनी तो ना कर। अच्छा। बड़े अब्बा की ईमेल तो तूने फटाफट कर दी। अम्मा कर दूंगा, पहले खाना तो दे दो, भूख लग रही है। दे देती हूँ खाना, चल जाके बह बह, मैं ले आनी हूँ। जा मैं जा रहा हूँ। आजा मेरे मगरों लात। फिजा पुत्र भाई को खाना दे आके। कैफी वैसे तो मैंने पैकिंग कर ली है, एक दफा चेक कर लेना। वो पाकिस्तान के हिसाब से कपड़े रख लिए ना तुमने? हाँ वो मैंने रख लिए। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अब्बा जान और बाकी लोगों का सामना कैसे करूँगा और क्या जवाब दूंगा उनसे कि मैं 20 साल उनसे दूर क्यों रहा। कैफी अपने सवाल नहीं करते। यही सोचकर तो और शर्मिंदगी होती है कि मैं अपनों को कैसे भूल गया। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम, 20 साल से इधर हो लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल अभी तक पाकिस्तान है। तुम अब्बा जान को नहीं जानती, उनका सारा प्यार तुम्हारे और बच्चों के लिए होगा और जो वो मेरा हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। फिर ठीक है बिल्कुल, एटलीस्ट तुम किसी से तो डरते हो, तुम्हारी सारी शिकायतें मैं उन्हीं से कर लूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि अब्बा जान मेरी पिटाई तुम्हारे और बच्चों के सामने करे तो ज़रूर बता देना। वैसे मैंने तुम्हारे साथ जुल्म क्या किया? मजाक कर रही हूँ, प्लीज़ अपना सामान चेक कर लें, मुझे सुकून आ जाएगा। बस तुमने देख लिया ना काफ़ी है, वो सबके लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स ले लेना और हाँ रज़िया भाभी से पूछ लेना कि उनको शादी के लिए कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है 20 साल से उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो अब उनको क्या चाहिए होगा कैफी। लेकिन फिरोजा फिर भी थोड़े बहुत गिफ्ट्स। चलो ठीक है वो मैं कर लूँगा। ओके कॉफी पियोगे? प्लीज मिल जाए। मैं भी लाई। थैंक यू। इस पुर मुसरत मौके पर आपकी आमद बाएं से इफ्तिखार होगी। प्रोग्राम बारात रात 8 बजे, निकाह रात 9 बजे, तआम रात 10 बजे और रुखसती रात 11 बजे। बराए मेहरबानी वक्त की पाबंदी करें, शुक्रिया। शाबाश भाई शाबाश। ले भाई तू कल कार्ड बांटने निकल ले, एक बात का ध्यान रखियो, दोबारा लिस्ट चेक कर लीजियो कहीं किसी का नाम ना रह जाए। अच्छा वो मुझे ना एक ये कार्ड मुझे चाहिए। काय को? वो मैं फ्रेम करा के ना घर में लगाऊंगी। अरे तू सारे रख ले कार्ड, तेरी बेटी की शादी है। एक बात बता तुम्हें सियालकोट कौन जाएगा कार्ड देने खाला को? इनमें से किसको है इतनी तौफीक, कौन जाएगा? मैंने बेबे खाला को फोन कर दिया, वो सारे कार्ड वहाँ बांट देंगी, मैं उनको कोरिया करा दूंगी। और वैसे भी हम सियालकोटियों को सद्दों की जरूरत नहीं होती, किसी की खुशी हो ना हम आप ही आ जाते हैं खुश खुश। ले भाई कल सुबह कोरिया कर दीजिए खाला को सियालकोट। दांत निकालने की क्या बात है इसमें है? नहीं करना कोरिया तो ना कर, मैं आप ही फोन कर दूंगी। अम्मा अम्मा कोरिया नहीं होता, कोरियर होता है। बहुत ही मेरी गलतियां ना कड़िया कर, तू बड़ा रस्तू दा पुत्र, समझते आ गई है ना गल? बार 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 नाराज कर दिया मुझे, भी शर्मिंदा कर दिया।
छः पाँच, अब देखना, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, ये गई अली की गोटी अंदर। एक मिनट, ये छः पाँच नहीं आया था बेटा, छः चार आया था। क्या हो गया? छः पाँच आया था, छः चार आया था, तुम बेमानी कर रही हो। बेमानी मैं नहीं कर रही, बेमानी तुम कर रहे हो। और रोया मत क्या करो हर दफा। मैं नहीं कर रहा बेमानी, मैं नहीं खेल रहा, खेलो, मुझे नहीं खेलना। सुनो, देखो सलमान, शर्नो मेरे कमरे में आई थी। हाँ क्यों, इसको क्या हुआ? आज शनास की खैर नहीं। लेकिन हुआ क्या? मुझे क्या पता। अच्छा छोड़ो, तुम्हें खेलना ही नहीं खेलना, जाओ चलो। नहीं, वो घटिया हरकत तूने किया? हमारी हरकत नजर आ गई आपको सलमान बाबू, मगर जो हरकत आपने की है उस हरकत से तो हमारे दिल की हरकत ही बंद हो गई। तुझे शर्म नहीं आई किसी और लड़की की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखते हुए? बकवास बंद कर। हर बकवास आने वाली अकलमंदी की छुट्टी होती है सलमान बाबू। तेरी इतनी जुर्रत के तू मेरे कमरे में कदम रखे? मेरी मर्जी में अपने तकिए के नीचे किसी की तस्वीर रखूं या तलवार, तुझे क्या है? एक लड़की की तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो सलमान बाबू? हमारे दिल पर वार है वो तस्वीर, हमारे सर पर तलवार है वो तस्वीर, हमारी मोहब्बत पर वार है वो तस्वीर, और तो और हमारे गले में जूतों का हार है वो तस्वीर। आज के बाद अगर तूने मेरे कमरे में कदम भी रखा ना तो अच्छा नहीं होगा। और मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर तूने सारा के आगे कोई उल्टी पुल्टी हरकत की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जाइए सलमान बाबू जाइए, मगर याद रखिएगा एक दिन आपको लौट कर शन्नो की चौखट पर ही आना होगा। आप भी बैठे ना रजिया भाभी। We can't stay here. हमें होटल जाना पड़ेगा। सी बातें कर रहे हो तुम लोग, हम होटल नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? हम सबसे मिल तो लिए। अब्बा जान हमें कभी नहीं जाने देंगे। What are you talking about? हाँ? अगर तुम कोई ख्वाब देख रहे हो ना कि मेरी और तुम्हारी मंगनी होने वाली है, ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। और हाँ एक और बात सुनो, मेरी मंगनी रोनी से हो चुकी है और हमारी शादी भी होने वाली है।